करीब 70 साल बाद टाटा के कुनबे में एयर इंडिया की वापसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस डील से जुड़ी पांच अहम बातों को। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। जी हाँ, करीब 70 साल बाद सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का कंट्रोल अब टाटा समूह पर हो चुका है। टाटा सन्स ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया को अधिग्रहण की बोली लगाकर जीत लिया है। जी हाँ, रतन टाटा के टाटा सन्स ने 18,000 की बोली स्वीकार करके सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि कर्ज के तले दबी एयर इंडिया को वापस पटरी में लाने में काफी कोशिश की जरूरत होगी। एयर इंडिया की बोली के लिए आरक्षित मूल्य 12,906 रुपए रखा गया था, जो कि आरक्षित रेखा से अधिक है। तो आइए जानते हैं आगे इस डील से जुड़ी पांच अहम बातों को। टाटा सन्स ने स्पाइसजेट के मुखिया अजय सिंह के नेतृत्व कंसोर्टियम को पछाड़कर एयर इंडिया को पाने में कामयाबी हासिल की है। एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ का कर्ज है और सरकार को इससे रोजाना करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरा, भारत सरकार ने टाटा सन्स से 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी ले ली है। इसके साथ ही एयर इंडिया के दूसरे वेंचर एयर इंडिया एक्सप्रेस से भी 100% हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में भी 50% हिस्सेदारी खरीदी है। तीसरा, टाटा की 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली में 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज लेना और बाकी नगद भुगतान शामिल है। सरकार को 100% हिस्सेदारी बिक्री के एवज में टाटा से 2,700 करोड़ रुपए नगद मिलेंगे। सौदे के तहत सरकार 46,262 करोड़ के कर्ज को अपने ऊपर लेगी और 14,718 करोड़ रुपए की भूमि और भवन सहित गैर प्रमुख संपत्तियों को भी अपने पास रखेगी। चौथा, रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले साल में कोई छटनी नहीं होगी और एयर इंडिया के कर्मचारियों को दूसरे साल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या VRS की सुविधा दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि लाभ दिया जाएगा। पांचवा, 5 साल बाद टाटा सन्स ब्रांड को केवल एक भारतीय व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, ताकि ब्रांड एयर इंडिया हमेशा के लिए भारतीय बना रहे।